40 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। शाहजहांपुर तिलहर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार तड़के बड़ी सफलता हासिल करते हुए सैकड़ों पेटी अंग्रेजी शराब लकड़ी के ट्रक में छुपाकर ले जाते हुए पकड़ा गया। जहां आज गुरुवार सुबह तड़के तिलहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, राजस्थान नंबर के एक ट्रक में लकड़ी के बीच अंग्रेजी शराब की पेटियां छुपाकर ले जाई जा रही थीं। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने नगर की सरयू पुलिया पर अपना जाल बिछा दिया, लेकिन ट्रक चालक ने वहां पर गाड़ी को नहीं रोका और तेज रफ्तार से हाईवे पर भगा दिया। कोतवाली पुलिस ने पीछा कर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम बंथरा में रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज के पास ट्रक को घेराबंदी कर अपने कब्जे में ले लिया। ट्रक से दो व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंपीरियल डब्लू ब्रांड की शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी सुनील अहलावत और उनकी टीम की यह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, थाना तिलहर पुलिस द्वारा आज शराब तस्करी करने वाले दो सदस्यों को पकड़ा गया है। उनके पास से एक फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ ट्रक भी बरामद हुआ है, जिसमें वो छुपाकर शराब को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। हमें ये शराब की जो वैल्यू एस्टिमेट की गई है, करीब 40 लाख की शराब की वैल्यू एस्टिमेट करी गई है। और अभी इसमें जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं, ये कहाँ से शराब लाई गई थी, कहाँ जा रही थी, इसकी तफ्तीश अभी की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।